सीकर के अंदर सीएलसी में हैं यहाँ पर, और कुछ सिलेक्टेड बच्चे बैठे हैं जो डॉक्टर बनने वाले हैं, और बाकी जो हैं वो भी आने वाले समय के अंदर डॉक्टर बनने वाले हैं। इनसे हम जान लेते हैं, शोर शराबा और ये सब करने की उम्र है ना ख़त्म हो जाएगी आपके डॉक्टर बनने के बाद में, तो क्या आप कॉलेज में जाके शोर शराबा करोगे? सर वो तो ऑब्वियस है, सर वो तो होता ही है, वो तो ऑब्वियस है, वो तो होता ही है। करोगे शोर शराबा? शोर शराबा से लाइफ टाइम रुकेगा ही नहीं सर, नेचर ही ऐसा है। क्या करें, डॉक्टर बनने के बाद में शोर शराबा बिल्कुल कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अभी आप करते बेटा? हाँ। शोर शराबा करते हो आप भी? और उसके बाद में डॉक्टर बनने के बाद में करोगे? यस जरूर। जब अगर पेशेंट आएगा तो उसके सामने कैसे करेंगे हम? आई मीन अप टू कॉलेज लाइफ तो कर ही सकते हैं बाद में। और ये देखिए, ये कल कल हम एक बात कर रहे थे और ये बात सामने आ रही थी कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो शोर शराबा मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके क्यों करते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, पहले बताओ। दौसा, राजस्थान। दौसा से यहाँ पर सीकर में आए हैं, यहाँ पर मतलब कैसे, किसने बताया आपको यहाँ पर सीकर में आने के लिए? फैमिली से एक भैया पढ़ते हैं आप? अच्छा, पहले से यहाँ पे पढ़ते हैं वो, जेईई मेन में सिलेक्ट हो। दौसा यहाँ से बहुत दूर है, बीच के अंदर जयपुर आ जाता है और दौसा वाले कोटा भी चले जाते हैं। सीकर क्या आने का खास कारण क्या रहा? कोटा में भीड़ बहुत ज़्यादा है और सीकर में सीएलसी जैसी पैरेंटल केयर और कहीं मिल नहीं सकती है। देखिए, एक तो सीकर और दूसरा सीएलसी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं कोचिंग के लिए। यहाँ पर शुरुआत हुई थी 4 बच्चों से और इस समय इतने बच्चे यहाँ से निकलते हैं हर बार, जितने में एक मेडिकल कॉलेज के अंदर तो जगह भी ना मिले। आपको जैसे यहाँ पर कोचिंग में, इनसे बात करते हैं, कहाँ से हो बेटा? उत्तराखंड देहरादून से आए हुए हैं आप। किसी भी कॉलेज के अंदर जाएंगे, किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको सीएलसी के बच्चे मिलेंगे। हर जगह सीएलसी कर दो, सीएलसी नहीं अच्छा लगेगा वहाँ पे सीएलसी के मिलेंगे तो? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे तो ये वाली टी शर्ट पहन के जाएंगे? ये जो सीएलसी की जो टी शर्ट है ये बहुत पॉपुलर है, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पॉपुलर है, क्योंकि सीकर के अंदर जो सिलेक्शन रेट है हाई है। आप अगर ये टी शर्ट पहन के वहाँ पर जाओगे, जिस भी मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका नंबर आएगा वहाँ पर जाओगे, तो ये टी शर्ट पहनने से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा? सीएलसी की टी शर्ट पहनने से सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सीएलसी एक ब्रांड है सर, मतलब जैसे हमारे सीनियर्स आए थे अभी एक साल पहले अभी आए थे प्रोग्राम में, तो बोलते थे कि हम सीएलसी की टी शर्ट पहन के घूमते हैं वहाँ पे, खूब अच्छा सा ग्रुप है उनका। 10 बंदे कोई नहीं उनको परेशान करता? कोई नहीं करता, वो सबको करते हैं। अच्छा बन रखे ये सीएलसी की टी शर्ट पहन के और लोग दूसरों से बचना चाहते हैं, रैगिंग से बचना चाहते हैं? नहीं सर, ग्रुप हो जाता है तो रैगिंग से तो। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, ये दोनों के दोनों अगर मैंने अभी तक बताया नहीं है तो ये सीकर के टॉपर्स यहाँ पर बैठे हैं। सीकर वैसे भी टॉप रहता है और उसके टॉपर यहाँ पर बैठे हैं। मैं इनसे ये पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर क्या आप दोबारा से आते रहोगे बीच बीच के अंदर, और अपने जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने जो जूनियर्स हैं, उनसे मिलते रहोगे? ये सर, बाकी हमारे जो सीनियर्स हमारे लिए आए थे ऐसे हम भी आ जाएंगे सर। ये देखिए जी, जो सीनियर्स आए थे उनका जो कर्ज है अब इनको चुकाना पड़ेगा, ये दोबारा से यहाँ पे आएंगे और जो पीछे सर के सारे बैठे हैं इनके साथ में डिस्कस करेंगे, इनको बताएंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ाई करा करते थे। ये तो पूछा ही नहीं अभी तक, कितने घंटे पढ़ते थे सर? 5 से 6 घंटे डेली कोचिंग के अलावा। कोचिंग के अलावा 5 से 6 घंटे? यस सर। कोचिंग कितने घंटे होती है? 7। 7 और 6 कितने हो गया? 11-12 हो गए, 11-12 अप्रोक्सिंग 13 हो गया। उसके बाद सोते कब थे? सोते थे सर, रात को सोते थे, दोपहर में थोड़ा बहुत सो लेते थे। ब्रेक ऐसा 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 लगता था जैसे सोते हुए भी कि है ना, जैसे नींद आ रही है और आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, कोई कुछ किताब पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ लगता था? ऐसा सर कभी कभी हो जाता था सर। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? नूर। नूर बेटा, यहाँ पर जो श्रवण जी, उनको आप कैसे, क्या नाम से बोलते हो? चौकीदार। अच्छा, खुद को चौकीदार बोलते हैं? वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ी मज़ेदार बात है, हम ये सुनना चाह रहे थे कि वो बॉस बोलते हैं, मगर इन्होंने बेटा ने, नूर ने बताया कि वो अपने आप को चौकीदार बोलते हैं। वो मोदी जी से ज़्यादा प्रभावित हैं? ओके। पहले से ऐसा बोलते आ रहे हैं, पीछे से आवाज़ आ रही है यहाँ से। बेटा, आप कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर से यहाँ पर सीकर में क्यों आए? क्योंकि मेरे कजन्स 2-3 सिलेक्ट हो गए थे यहाँ से, तो पापा ने फिर यहीं डाला। देखिए जी, देखिए सीकर की बात देखिए, यहाँ पर जो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको पता है कि कहाँ पे आना है, सीएलसी के अंदर। बहुत अच्छे। और सीकर के अंदर जो कोचिंग का जो माहौल है वो बेहतरीन है। बेटा, कहाँ से हो आप? हरियाणा से। इतनी दूर से? सर, डॉक्टर बन के जाना है यहाँ से। डॉक्टर बन के ही जाना है जयपुर से? आप भी जयपुर? अच्छा, यहाँ पे और जो कौन से स्कूल से? मैं जीएनवी से हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय। अच्छा स्कूल है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सीकर में आए हैं। यहाँ पर अच्छा क्या लगा आपको?
यहाँ की पेरेंटल केयर भी फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज भी और कोचिंग की फैकल्टीज भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब ठीक है, टॉप नॉच है, मतलब इनसे ऊपर जो है ना यहाँ पर मिलती है ना दूसरी जगह मिलते हैं, पेरेंटल केयर भी नहीं मिलता है। मगर सिलेक्शन कराने के लिए क्या ज़रूरत है, आपके पेरेंट्स का सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? एक मोटिवेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है जो यहाँ पर डेली होता है फैमिली के थ्रू। मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है, मोटिवेशन है, पेरेंट्स का मोटिवेशन है और साथ ही के अंदर जो फैकल्टीज है उनका। आपको कौन मोटिवेट करता है सबसे ज़्यादा? बॉस। बॉस यानी कि श्रवण जी। और वो क्या, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि क्या मतलब कुछ नहीं है, पीएमटी फाड़ दो तोड़ दो, ऐसे बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस वही पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है, बस पढ़ने के लिए। और कुछ उसके साथ के अंदर कुछ जो मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं वो भी शेयर की जाती हैं? यस, की जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे इनसे पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? श्रुति वर्मा। श्रुति जी, यहाँ पर जो है आप बताओ कि आपको जो अपने साथ वाले जो बच्चे हैं उनके साथ के अंदर आप अच्छी तरीके से घुल मिल गए हो, आपको मज़ा आता है यहाँ पे? यस। यहाँ पे घर की याद आती है? नहीं, अब तो नहीं आती। अब नहीं आती, शुरू में? यस। यहाँ पे पूरा अच्छा ग्रुप बन गया है आपका। जो यहाँ पे हमने पहली बार देखा, नीचे अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के लिए भी काफ़ी सारी जो है उसको फ़ायदा उठाते हो या वहाँ जाने से बच जाते हो? नहीं, फ़ायदा उठाते हैं, डाउट काउंटर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो वहाँ पे टीचर्स हैं वो कभी कभी झुंझलाते नहीं है इस तरीके से कि यार एक ही सवाल को मैंने बार बार 10 बार बता दिया फिर भी ये जो श्रुति वर्मा है दोबारा से पूछ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोबारा से पूछते उनसे? जब नहीं आता तो पूछते हैं। देखिए, सिर्फ क्लासरूम टीचिंग जो है वो कभी भी काफ़ी नहीं रही है, क्लासरूम से ज़्यादा डाउट्स के अंदर जो होता है उसमें थोड़ा सा माहौल भी बनता है, इंटरेस्ट बनता है बच्चों का, और उसके साथ ही के अंदर वो ये सोचते हैं कि हमारे को साथ के अंदर पर्सनल केयर दी जा रही है एक बच्चे के ऊपर। करीब करीब एक जब फैकल्टी लग जाता है उनको मोटिवेट करने में तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स से हम प्रॉपर एक इंटरव्यू है रतन जी शेखावत का जो इसके साथ में आने वाला है, इन दोनों टॉपर्स के साथ के अंदर है, वो भी आप इसके अंदर देखिए। और सीकर के अंदर कोचिंग इस समय बिल्कुल टॉप नॉच है, 10 में से 1 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, CLC यहाँ पर सबसे ऊपर है। इसके अलावा भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कोई भी इंस्टीट्यूट सर्च करिए, सीकर ज़रूर आना और एक बार CLC का भी कैंपस देखना और बाकी भी कैंपस देखना, खुद डिसाइड करना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सीकर बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।